मैं हूं आचार्य पी खुराना। होम सूत्र के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पिछली बार हमने इस कार्यक्रम के जरिए चर्चा की थी कि घर में सोफा किस प्रकार का होना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि आपका सेंटर टेबल किस प्रकार का होना चाहिए। पहला आकार लेते हैं, अगर उसका आकार बिल्कुल गोल है तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि उसके आकार जो गोलाकार है इसमें किसी प्रकार का आउल शेप बिल्कुल अपने घर में न रखिए। अगर आउल शेप का आप अपने घर में सेंटर टेबल रखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके बच्चों का अध्ययन में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज़ अ सिंबल ऑफ इम्बैलेंस। आमदनी अटनी, खर्चा रुपया, बच्चा पढ़ता ज़्यादा है उसका ध्यान नहीं जाता। तो आउल टाइप के जो टेबल है उसका बिल्कुल घर में रखना हमारे वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन बिल्कुल अगर गोल आकार बनाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर शीशे का टॉप लगाते हैं वो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन शीशे का टॉप, उसका शीशा साइज़ के मुताबिक काफ़ी बड़ा और घना होना चाहिए। इन नियमों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा आपका सेंटर टेबल में और किस प्रकार की मनाही है, किन नियमों का पालन करें, इसकी चर्चा भी करेंगे। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।